हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ता किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए छिलके वाली मूंग दाल का चीला और उत्तपम। ये मैंने दोनों तरीके से इसको बनाया है। आप चाहे चीला बना के खाइए, चाहे उत्तपम बनाइए, दोनों ही बहुत टेस्टी और क्रिस्प बनते हैं। इसको हमने चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका वीडियो। फ्रेंड्स, मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने ली है मूंग छिलका दाल। ये मेरी 1.25 कप के करीब है और इसमें मैंने 1 कड़छी चने की दाल भी डाली है। इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था और अच्छे से फूल गई है। आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा वार्म वाटर में भिगोइए, गर्म पानी में। अब मैंने इसका हल्का सा छिलका उतारा है, पूरा छिलका मैं नहीं उतार रही हूँ। और इसके अब हम बहुत क्रिस्पी, इसके चीले क्रिस्प बनते हैं, इसलिए मैं इसका छिलका नहीं उतार रही हूँ। हेल्दी भी रहती है ये दाल। इसमें डालने के लिए मुझे चाहिए अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 इंच, हरी मिर्च, धनिया कटा हुआ बारीक, लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे। अब मैं इस दाल को मिक्सी में पीस लूँगी, बारीक पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, लेकिन दरदरा थोड़ा सा रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्रिस्प चीले बनेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये मूंग छिलका दाल थी इसको पीस लिया है मिक्सी में। देखिए ऐसा टेक्सचर रखा है। इसको अभी हम थोड़ा सा पतला और करेंगे। तब तक मैं इसमें पहले मसाले डाल लेती हूँ। मसाले में हमने सिर्फ नमक डालना है, लाल मिर्च पाउडर आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डालूँगी इसमें, हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्ची, अदरक भी कद्दूकस किया हुआ था जो मैंने, वो भी मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको सबको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक इसकी मैं फिलिंग तैयार करती हूँ। जब बनाएंगे तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, थोड़ा इसको पतला और करना है। चलिए देखते हैं इसकी फिलिंग। फ्रेंड्स, मैं पनीर का मिक्सचर तैयार कर रही हूँ जो मुझे चीले में भरना है। मैं 2 तरीके से बनाऊँगी चीले, एक तो मैं उत्तपम स्टाइल में बनाऊँगी और एक चीला स्टाइल में। उत्तपम वाले मैं थोड़े से मोटे बनाऊँगी और चीले वाले थोड़े बड़े साइज़ के और पतले बनेंगे। तो इसके लिए मैं मिक्सर तैयार कर रही हूँ। मैंने पनीर ले लिया है, ताज़ा बाज़ार से लिया है ये, आप घर पर ही बना सकती हैं। टमाटर बारीक काट लिया है, इसका रस निकाल के टमाटर को काट लिया है। एक प्याज लिया है बारीक काट के, धनिया और थोड़ा हरी मिर्ची। इसमें थोड़े मसाले भी ऐड करेंगे, नमक ज़रूर डालेंगे क्योंकि नहीं तो फीका लगेगा। अब मैं पनीर में सब मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप जैसा टेस्ट चाहें उस हिसाब से मसाला डाल सकते हैं। चटपटा ज़्यादा बनाना चाहें तो इसमें और ज़्यादा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। ये हमारा मिक्सचर अब तैयार हो गया है। अब हम चीले बनाने शुरू करते हैं। उसके लिए नॉनस्टिक तवा लेंगे, मैं नॉनस्टिक तवा ले रही हूँ, तो बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं चीला बनाने जा रही हूँ। ये मिक्सचर को देख लीजिए, मैं पहले उत्तपम स्टाइल में बना रही हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा मोटा डालूँगी स्प्रेड। मैं इतना मोटा फैलाऊंगी इसको क्योंकि मैं उत्तपम स्टाइल में बनाऊंगी, इसको मैं पतला नहीं कर रही हूँ। इसके चारों तरफ तेल डाल दीजिए और इसको मैं अब ढक दूंगी प्लेट से। थोड़ा
थोड़ी देर में ये सिक जाएगा, तब हम इसके ऊपर मिक्सचर अपना डालेंगे। हमारा अब इस साइड से सिक गया, देखिए फूल गया है, थोड़ा पक गया, तब मैं इसमें मिक्सचर लगा रही हूँ। उत्पम की तरह मैं इसमें मिक्सचर फैला दूंगी। थोड़ा प्रेस करना है इसको अच्छे से ताकि अंदर चला जाए। मैं इसको साइड चेंज करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमारा उत्तपम तैयार मिलेगा सिका हुआ। ये देखिए इतना अच्छा सिका हुआ है। अभी जैसे हम इसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे। ये हमारे मूंग दाल के उत्तपम बन जाएंगे, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। चीले तो हम अक्सर बनाते रहते हैं। थोड़ा गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं। थोड़ा प्रेस करते रहिए जिससे कि नीचे जो हमने मिक्सचर लगाया है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। इस साइड से सिक गए हैं, हमने थोड़ा बीच में ऑयल लगा दिया था। अब हम इसको फिर से चेंज करते हैं साइड को। ये देखिए कितना अच्छा सिक गया है, आप देख सकते हैं। अब नीचे से थोड़ा सा और क्रिस्प करना है मुझे। मैंने फिर से गैस को तेज किया है, फ्लेम को, दोनों साइड से क्रिस्प हो जाएगा तभी रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। ये मैंने उत्तपम बनाया है मूंग दाल का। देखिए अब हमारा उत्तपम रेडी है। इस साइड से भी देखिए कितना अच्छा सिका हुआ है लाल। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इधर से भी कितना अच्छा सिका हुआ है। ये देखिए अभी रेडी टू सर्व है। इसको आप चटनी के साथ दीजिए, ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने की, कोरिएंडर चटनी के साथ हम इसको सर्व करते हैं। ये आप खाइए, खुद भी खिलाइए, खाइए और को भी खिलाइए। बहुत टेस्टी उत्तपम बना है, मूंग दाल छिलके वाली दाल का है ये। फ्रेंड्स अब मैं मूंग दाल का चीला बनाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब मैं इसको तवे पर फैलाने जा रही हूँ। ये थोड़ा हमें पतला बनाना है। देखिए इसको बड़ा फैलाया, उसको हमने छोटा फैलाया था और मोटा भी बनाया था। ये हम बड़ा बनाएंगे और पतला बनाएंगे। तेल डाल दीजिए चारों तरफ। इसको ढकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पतला है, जल्दी वैसे ही सिक जाएगा। मिनट में हमारे एक साइड से सिक जाएगा, तो हम साइड चेंज कर देंगे इसकी। नॉनस्टिक तवे पर ही बनाइए, नहीं तो ये चिपकते हैं। देखिए बस बन सिक गया ये। मैं साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा उस साइड से और सेकेंगे, फिर हम इसमें पनीर की फिलिंग भर देंगे। मेरा इस साइड से भी फ्रेंड सिक गया है। अब दोबारा मैं इसमें
मसाला फिल कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसमें पनीर में प्याज ना डालना चाहें तो बेशक मत डालिए, विदाउट अनियन भी आप इसको फिलिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको डोसे की तरह फोल्ड कर दूंगी। इसमें घी भी कम लगता है क्योंकि हमने ये नॉनस्टिक तवे पे बनाया है। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। साइज और चेंज कर देती हूँ। हमारा भी रेडी टू सर्व है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गैस ऑफ कर दिए। ये देखिए, पहले मैंने उत्तपम बनाया था मूंग दाल का, अब मैंने चीला बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, अब दोनों का मज़ा लीजिए, चटनी के साथ, सॉस के साथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। शशि गुप्ता किचन, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।